हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट मेहपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 43 फीट 7 इंच इंटू 50 फीट, 43.7 इंटू 50 फीट है और नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ के अंदर उसके रोड है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और अगर ये आपको जो डिज़ाइन है वो कैसी लगी है उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस बारे में विस्तार से बता देता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके पास वाले जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए नॉर्थ फेसिंग है, इस तरफ रोड है उसके, और जो इसकी चौड़ाई है वो 43 फीट 7 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो 50 फीट है। तो 50 × 43 फीट 7 इंच और नॉर्थ फेसिंग है। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे ये जो भी है ये बाउंड्री वॉल आ गई, यहाँ से एंट्री होगी हमारी नॉर्थ से। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे मैंने बरामदा छोड़ा है 4 फीट का और उसके बाद ये पार्किंग आ रही है आपके 25 फीट 10 इंच बाई 12 फीट का और जो ईस्ट है उसकी तरफ मैंने 11 फीट 4 इंच पूरा छोड़ा है पैसेज और जो साउथ है मैंने उसकी तरफ 3 फीट छोड़ा है और जो वेस्ट है मैंने उसकी तरफ भी 2.5 फीट जगह छोड़ी है। ये देखिए वेस्ट की तरफ 2.5 फीट है, ये सामने नॉर्थ के अंदर ये 4 फीट है प्लस ये पार्किंग है 12 बाई 15 फीट 25 फीट 10 इंच का और ईस्ट के अंदर 11 फीट 4 इंच है और पीछे की साइड में ये 3 फीट है मतलब साउथ की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊँ तो जगह चारों तरफ से छोड़ी हुई है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे दोस्तों पार्किंग आ रही है 12 बाई 25 फीट 10 इंच, फिर यहाँ हम जैसे स्टेयर अप करेंगे ये 3 फीट का विराम स्थल और उसके बाद में ये 4 फीट का मेन डोर आ रहा है आपका और ये ड्राइंग रूम आ रहा है जिसकी साइज है 11 बाई 13। ये देखिए 13 फीट ऐसे 11 फीट ऐसे, इसकी 1 5 फीट की विंडो आपके वेस्ट की तरफ और 1 5 फीट की विंडो जो बरामदा दी हमने 4 फीट की 5 फीट की जो उसकी तरफ रोड की तरफ। उसके बाद में इसका एक डोर सीधा लिविंग हॉल की तरफ खुल रहा है, 3.5 फीट का ये डोर है, इसकी साइज 11 बाई 13 है और ये लिविंग हॉल है। इसको आप यहाँ स्टेयर के नीचे 6 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 11 इंच स्टेयर के नीचे भी जा सकते हो क्योंकि स्टेयर है यहाँ से अप हो रही है। देखिए स्टेयर कैसे यहाँ से अप हो रही है, यहाँ डाउन हो रही है, ये यहाँ से अप हो रही है। तो ये जगह 3 फीट 1 इंच बाई 3.5 इंच है और स्टेयर विराम स्थल 6 फीट 6 इंच बाई 3 फीट है। यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ हम डाउन हो जाएंगे तो स्टेयर के नीचे भी लिविंग थोड़ा बहुत रहेगा तो 6 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 11 इंच और उस 6 फीट 6 इंच में और जुड़ जाएगा जो भी है मतलब 3.5 फीट लगभग, तो 6 7 8 9 लगभग 10 फीट हो जाएगा। तो 10 बाई 12 का मान लो 11 फीट 11 इंच है तो 11 फीट 11 इंच बाई 10 फीट का लगभग लिविंग और बोला जाएगा। उसके बाद में ये देखिए 3.5 फीट डोर है और एक बेडरूम आ रहा है 13 फीट 9 इंच बाई 11 फीट, ये आपका बेडरूम है 13 फीट 9 इंच ऐसे 11 फीट ऐसे, इसकी 1 5 फीट की विंडो पार्किंग की तरफ है और 1 5 फीट 4 फीट की विंडो जहाँ हमने पिप्पे से छोड़ा था ईस्ट की तरफ उसकी तरफ है। उसके बाद में ये पूरा डाइनिंग हॉल आ गया 9 फीट 3 इंच बाई 20 फीट 3 इंच का और यहाँ से भी एक डोर निकल रहा 3 फीट का जो ईस्ट की तरफ हमने पैसेज छोड़ा था उसकी तरफ और 1 5 फीट की विंडो भी निकल रही है पैसेज की तरफ। उसके बाद में ये देखिए आपके कॉमन टॉयलेट आ रहा है, इसका 2.5 फीट का डोर है, ये स्टेयर कैसे यहाँ पे आ गया, ये 2.5 फीट का डोर है, कॉमन टॉयलेट है 5 फीट ऐसे 6 फीट 6 इंच ऐसे 5 बाई 6 फीट 6 इंच का और इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी वेस्ट की तरफ जो पैसेज छोड़ा था उसकी तरफ है। उसके बाद में ये आपके 3.5 फीट का डोर आ रहा है और ये मास्टर बेडरूम आ रहा है 11 बाई 12 का, 11 फीट ऐसे 12 फीट ऐसे, इसकी 1 4 फीट की विंडो वेस्ट की तरफ और 1 5 फीट की विंडो पीछे साउथ की तरफ और उसके अटैच के अंदर ये देखिए कॉमन टॉयलेट है, ये इसका 2.5 फीट का डोर है और 5 बाई 11 का कॉमन टॉयलेट है, इसका वेंटिलेशन 2 फीट का साउथ की तरफ है। उसके बाद में जस्ट ये 3.5 फीट का डोर है और ये किचन आ रहा है आपका 9 बाई 11 का, 9 फीट ऐसे 11 फीट ऐसे ये किचन आ रहा है, इसकी 1 4 फीट की विंडो पीछे साउथ की तरफ और 1 5 फीट की विंडो साइड नॉर्थ की तरफ। तो ये दोस्तों मैंने इस प्रकार डिज़ाइन किया, जगह भी काफ़ी छोड़ दी है। प्लॉट की साइज़ है आपके 50 × 43 फीट 7 इंच, एक बार फिर से देखिए 43 फीट 7 इंच × 50 फीट, ये नॉर्थ फेसिंग है। और एक बार और बताता हूँ कि जो भी मैं डिज़ाइन करता हूँ वास्तु के हिसाब से करता हूँ, वास्तु का टेंशन आप छोड़ सकते हो बिल्कुल, ये पूरा वास्तु से मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो दोस्तों एक बार मैं आपको जूम करके बता देता हूँ फिर इसको, यह देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, यह आपका किचन, अटैच टॉयलेट, मास्टर बेडरूम, कॉमन टॉयलेट, डाइनिंग हॉल, यहाँ से एक डोर, स्टेयरकेस, लिविंग बेडरूम, ड्राइंग रूम, पार्किंग और ये पूरा हो गया। फिर देख लीजिए एक बार जूम करके, ये देखिए दोस्तों
तो दोस्तों अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आती है तो आगे शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और उसके जो पास वाले बेल आइकन है उसको भी दबा लो ताकि मेरा आने वाला हर अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले अच्छी डिज़ाइन अच्छी अच्छी डिज़ाइनें देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो थैंक्स दोस्तों।